आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है और आपके पास टाइम नहीं है सैलून जाने का, तो आप जो है घर बैठे इस फेशियल को कर सकते हैं। आप अपने चेहरे को चमका सकते हैं, आपके जो चेहरे पर दाग धब्बे हैं उसको लाइट अप कर सकते हैं, जी हाँ। या फिर आपकी जो शादी है बहुत करीब है, और या फिर आप कहीं भी पार्टी शादी में जाना चाहते हो और आपके पास टाइम बहुत कम है और आपका जो फेस है बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा डैमेज है, तो आप इस फेशियल को अभी से करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपके फेस पर देने वाला है। बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा, आपके जो दाग धब्बे हैं अच्छे से रिमूव करेगा, साथ ही आपके फेस को बहुत अच्छे से ब्राइट बनाएगा, नेचुरल ग्लो लेकर आएगा, और आपको लगता है कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा मतलब झाइयों की प्रॉब्लम है और जी ऐसे दाग धब्बे हैं जो कि आपने बहुत कुछ ट्राई किया है लेकिन नहीं जा रहे हैं, तो आप इसको भी ट्राई करके देखें, क्योंकि ये जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है दाग धब्बों को अच्छे से रिमूव करने की पावर रखता है, यानी कि जो रेमेडी है ये दाग धब्बे पर बहुत अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी स्किन के जो दाग धब्बे हैं, जो हमारी स्किन में जो डेड सेल्स होते हैं, जो गंदगी होती है, उसको अच्छे से रिमूव करने की प्रॉपर्टीज होती है, तो आप इस फेशियल को जरूर करें। या फिर आप कहीं भी शादी पार्टी में जा रहे हैं तब भी जो है आप इस फेशियल को कर सकते हैं, बिल्कुल आपको फेशियल जैसा रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने 2-3 हज़ार रुपये वाला फेशियल कराया है, वैसा रिजल्ट आपको इस फेशियल के बाद मिलने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इस फेशियल को करना कैसे है। तो देखिए, फेशियल करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और इससे आपको फ़ायदा मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है टमाटर। तो देखिए, टमाटर को जो है कट करके ले लेना है, इसके दो स्टेप हैं जो कि हम टमाटर के साथ ही करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टमाटर ले लिया है, और जो हमारा पहला स्टेप है वो हम करेंगे अपने फेस को स्क्रब, क्योंकि हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा जो है डेड सेल्स है, गंदगी है, तो उसको हमें हटाना है और हमें अपने रंग को निखारना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ली है चीनी, तो आपको एक चम्मच चीनी ले लेनी है और आपको लेना है टमाटर, इस तरीके से आपको डिप करना है और इस तरीके से आपको रफ करना है, जी हाँ आपको करना है स्क्रब। देखिए, चीनी जो है हमारे फेस को निखारती है, जो हमारे दाग धब्बे हैं उसको भी लाइट अप करती है, साथ ही हमारे फेस पर नेचुरल ग्लो लेकर आता है, तो चीनी बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारी स्किन के लिए, इस तरीके से आप करते हो तो। और टमाटर जो है हमारे रंग को निखारेगा, हमारे फेस पर जो दाग धब्बे हैं उसको लाइट अप करेगा, और हमारे फेस पर जो गंदगी है उसको रिमूव करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इस तरीके से आपको इसको करना है, करना कितना है देखिए, 10 से 12 मिनट आपको इस तरीके से रब करना है, लेकिन आपको जो है बहुत हार्ड हाथ नहीं चलाने हैं, बहुत हल्के हल्के हाथों से जो है आपको स्क्रब करना है इस तरीके से। तो देखिए, हमारा जो स्क्रब है वो डन है, तो आपको दूसरा स्टेप करना है, ठीक है। तो अपने फेस को आप चाहे तो वॉश कर सकते हैं, और आपको तो यहाँ पर जो है अपने फेस को आपको वॉश भी कर लेना है, और आप नहीं चाहते हैं तो आप जो है इसी के ऊपर दूसरा स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो है अपने फेस को वॉश नहीं कर रही हूँ, इसी के ऊपर मैं दूसरा स्टेप करने वाली हूँ। तो आपको फिर से जो है टमाटर लेना है, और इसमें आपको लेना है कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड करना है आपको। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कॉफ़ी पाउडर ले लिया है, करीबन एक चम्मच लिया है, और इसमें आपको ऐड करना है हनी। देखिए, हनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर आप ग्रिसलिन इसमें ऐड कर सकते हो, और अच्छे से मिक्स करना है, और टमाटर को डिप करना है, और अपने फेस पर इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इस तरीके से आपको लगाना है, और इसकी भी मसाज करनी है। इसकी मसाज कम से कम 15 से 20 मिनट आपको करनी है, इस तरीके से आपको करते जाना है। आपको बिल्कुल फेशियल जैसा निखार आपके फेस पर मिलने वाला है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने कोई डायमंड का या फिर गोल्ड का फेशियल कराया है, इस तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छे से आपको मसाज करनी है।
तो देखिए यहाँ पर जो है हमने मसाज कंप्लीट कर ली है, और आपके पास टाइम है तो आपको जो है कम से कम 10 मिनट आपने फेस पर इसको ऐसे ही रहने दे। 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है आगे बताती हूँ, तो चलिए मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तो देखिए करीबन 10 मिनट हो गई है और मेरा फेस जो है ड्राई होने लगा है। फिर से आपको क्या करना है, जो हमने टमाटर से मतलब अपने फेस पर स्क्रब किया था वही आपको लेना है, थोड़ा प्रेस करना है और इस तरीके से फिर से आपको इसको रफ करना है। इस तरीके से आपको अच्छे से रफ करना है, करीबन 1 से 2 मिनट इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कर लिया है जो है 1 से 2 मिनट मैंने रफ कर लिया है, और अब जो है आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। तो देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से फेस ग्लो करेगा, बहुत अच्छे से चमक आएगी आपके फेस पर आप इस तरीके से फेशियल करते हो। तो हफ्ते में आप इसको 2 बार करें, के दाग धब्बे हैं तो आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार करना है इसको। आप देखोगे 1 से 2 हफ्ते में आपके फेस पर चमक बहुत अच्छे से आएगी और आपका जो रंग है बहुत अच्छे से निखर कर आएगा। तो चलिए मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने फेस को धोकर आ गई हूँ और आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं अपने फेस को ड्राई कर लूंगी अच्छे से, रगड़ना नहीं है आपको। तो देख सकते हो मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया आपके सामने, मैंने अपने फेस को वॉश किया है और ये जो मेरा फाइनल रिजल्ट है, बहुत अच्छे से हमारी स्किन ग्लो करेगी, बहुत अच्छे से हमारे फेस पर चमक आएगी आप इस तरीके से फेशियल करते हो। तो आपका जो मेकअप है वो भी काला नहीं पड़ने वाला है। आप कहीं भी शादी पार्टी में जा रहे हो तो आप इस तरीके से फेशियल कर सकते हो, आप अपने हजारों रुपए जो है बचा सकते हो, घर पर ही फेशियल कर सकते हो, अपने चेहरे को चमका सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।